हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं शर्मा सपोर्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राम अवतार। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा कि मैं अभी क्या हुआ है कि मैं गांव आया हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो सेटअप है, यानी कि बैकग्राउंड में आपको दिखने को मिल रहा होगा कि मतलब कि अलग कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा। जैसा कि मैं जब गाँव पर आया हुआ हूँ तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने कुछ पर्सनली सेटअप करके रखा हुआ है तो मैं वहाँ पर वीडियो शूट कर लूँगा, नहीं। मैं यहाँ पे जैसे कि जहाँ पे मैं पहले छोटा था तो घूमता था, वहाँ पे मैं आया हुआ हूँ और यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी कि बागीचे में आके मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो एक डेली मिलता रहे। और मैं 3 से 4 दिन यहीं पे रहने वाला हूँ तो मैं डेली आपको एक वीडियो ऐसे ही मतलब कि बना के प्रोवाइड करूँगा, यानी कि ऐसे ही बागीचे वगैरह मैं शूट करके आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ कि आज का जो वीडियो, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो डीडी फीडीज के जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर आ रही है निकल के, क्योंकि फ्रेंड अभी तक मतलब कि हमारे डीडी फीडीज के प्लेटफॉर्म पे 2 ही मतलब कि न्यूज चैनल थे, यानी कि न्यूज वाले जो चैनल थे 2 ही थे। लेकिन अभी मैं बता दूँ आपको, हाल ही में मतलब कि एक और चैनल है जिसको लेकर के मतलब कि सरकार ने भी उसको फाइनलाइज कर दिया, यानी कि मंजूरी दे दिया है उसको लॉन्च करने के लिए डीडी फीडीज के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अभी तो मतलब कि कोई स्लॉट फ्री नहीं था, तो आखिर में ये कैसे लॉन्च हो रहा है हमारे डीडी फीडीज के प्लेटफॉर्म पे और किसके जगह पे लॉन्च हो रहा है। तो मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि जो ये चैनल है, इस चैनल का नाम है ABP न्यूज HD, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि ये किस चैनल के जगह पर मतलब कि ये लॉन्च होने जा रहा है, तो इसके बदले में आपको ये घाटा ये सहना पड़ रहा है कि एक जो चैनल था ABP न्यूज कन्नड़ करके, इस चैनल के जगह पे जो कि इसको भी मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इस चैनल को मतलब कि अभी क्या हुआ है कि रद्द कर दिया गया है और इस चैनल की जगह पे अभी आपको ABP न्यूज HD मतलब कि देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो फिर अभी मतलब कि हमारे डीडी फीडीज के प्लेटफॉर्म पे नियर अबाउट 3 यानी कि न्यूज चैनल अभी अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि पहला तो DD मतलब कि न्यूज जो है, और सेकंड नंबर आज तक उसके से जो थर्ड नंबर पे आ गया है ये आ गया है ABP न्यूज HD करके, ठीक है। और DD न्यूज ये भी HD चैनल से, तो 3 हमारे मतलब कि DD फीडीज के प्लेटफॉर्म पे मतलब कि न्यूज वाले चैनल अभी मतलब कि आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं इसका जो कभी भी लॉन्चिंग डेट आ सकता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका कोई भी अभी ऑफिशियल लॉन्चिंग डेट मतलब कि अनाउंस नहीं हुआ है। मुझे भी इसके बारे में बताते हूँ कि इस चीज़ का थोड़ा अजीब लगता है कि यार हम लोग बता देते हैं कि ये चैनल लॉन्च होने वाला है, लेकिन तो उसका लॉन्चिंग डेट नहीं कंफर्म होता है, क्योंकि हम ऐसे तो बता नहीं सकते जब तक कि उसको मतलब कि सरकार की तरफ से मंजूरी या फिर DD फीडीज की तरफ से मंजूरी ना मिली, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मतलब कि ABP न्यूज ये HD चैनल्स है, इसको DD फीडीज की तरफ से मंजूरी मिल गई है सरकार से भी, यानी कि सूचना प्रसारण जो मतलब कि इसको मंजूरी मिल चुकी है। बहुत ही जल्द ये हमारे DD फीडीज का प्लेटफॉर्म जो है कि ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे चैनल्स मतलब कि हमारे प्लेटफॉर्म पे 3-3 चैनल्स मतलब कि ऐसे अवेलेबल हो जाएंगे जिसके जरिए हमें मतलब कि हमेशा अपडेट मिलता रहेगा न्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो आज के कुछ यही इन्फॉर्मेशन था, आशा कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और आपके मन में कोई सुझाव फिर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर मैं इसी तरीके से डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलता फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।